हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साहू। सो गाइस, जिस तरह से प्यारी मैडम साहिबा की बिरयानी की चर्चे सब जगह हो रहे थे, बस उसी तरह से अभी चबूतरा के न्यू फ्लैट के चर्चे सभी जगह हो रहे हैं। मतलब सब जगह बस यही छाया हुआ है, चाहे वो कमेंट सेक्शन में हो, चाहे वो न्यूज़ में हो, मीडिया में हो, पब्लिकली हो, चबूतरा का नया जहान यानी कि सबा इब्राहिम का नया जहान तैयार हो गया है। एंड बहुत जल्द ही सबा इब्राहिम एंड उनके खालिद नियाज शिफ्ट होने वाले हैं नए वाले जहान में, यानी उनके नए वाले फ्लैट में। तो यही सारे चर्चे अभी सब जगह चल रहे हैं और इन्हीं चर्चों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो मेरे हिसाब से आई थिंक ये न्यू फ्लैट लेने का जो दिमाग है या डिसीजन है वो ज़रूर गुटखा किंग का ही होगा। बिकॉज जिस तरह से चबूतरा अंधाधुंध पैसे खर्च करती है फालतू की चीज़ों में, गुटखा किंग ने यही सोचा होगा कि कम से कम कुछ पैसे निकाल करके इन्वेस्टमेंट के रूप में, जो कि उनका हमेशा से कहना है कि वो फ्लैट एज अ इन्वेस्टमेंट लेते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के रूप में कुछ पैसे कहीं सेव हो जाए ताकि इन फ्यूचर किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो। अदरवाइज़ अगर चबूतरा के भरोसे बैठे रहें, वो अलग बात है कि सारे के सारे पैसे चबूतरा के ही है, लेकिन अगर चबूतरा के भरोसे बैठे रहेंगे तो वो फालतू के पैसे ऐसे ही खर्च करके उड़ा देगी। इवन 80% पैसे तो वो यूं ही खर्च करके उड़ा देती है। एंड उस 80% में से अब कम 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 कर कर करके लगभग 50% पैसे वो खर्च कर ही देती है। एंड कुछ पैसे गुटखा किंग उसे खर्च करने नहीं देता, यानी कि जैसे कि आप देख लो कि बच्चों के पीछे फालतू की चीज़ों पे खर्च करना, या फिर घर के पीछे फालतू की चीज़ें खर्च करना, या फिर अम्मी लोग के ऊपर खर्च करना, तो इन सब चीज़ों के लिए गुटखा किंग, जो ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों के लिए, गुटखा किंग उसे मना करता है और कुछ पैसे बचा लेता है। तो ये फुल डिसीजन गुटखा किंग का ही था कि न्यू फ्लैट ले लिया जाए ताकि पैसे की कुछ इन्वेस्टमेंट हो जाए एंड जितनी जल्दी हो जाए न्यू फ्लैट में शिफ्ट कर दिया जाए। चबूतरा ने अपने ब्लॉग में भी कहा है कि वो और गुटखा किंग बहुत जल्दी न्यू फ्लैट में शिफ्ट होने वाले हैं। अब ये डिसीजन भी गुटखा किंग का ही होगा, बिकॉज जिस तरह से वहाँ मुंबई में वो वाले फ्लैट में गुटखा किंग के साथ बिहेव किया जाता है, नॉट इवन फ्लैट, मतलब फैमिली मेम्बर्स जिस तरह से उसके साथ में बिहेव करते हैं, वो अलग बात है कि चबूतरा ने फ्लैट अलग से लिया है, लेकिन सबकी नज़र में यही है कि वो उसकी बेटी का फ्लैट है, उसकी बहन का फ्लैट है एंड गुटखा किंग वहाँ पर एज अ घर जमाई बन कर करके रह रहा है, तो इस वजह से उसे जितना निगलेक्ट किया जाता है वो सब देख कर करके गुटखा किंग को समझ में आ गया होगा कि अब उसे सेपरेट रहने में ही फ़ायदा है। अदरवाइज़ उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो कि 0% भी नहीं है, तो थोड़ी मोड़ी जो बची हुई है वो भी रत्ती के भाव में बिक जाने वाली है। बस इसीलिए गुटखा किंग ने ये डिसीजन लिया। लेकिन देखना ये है कि चबूतरा मैडम जाती है कि नहीं। वैसे तो उसने बोल दिया अपने व्लॉग में कि हमने डिसीजन लिया है कि हम शिफ्ट होंगे, लेकिन जिस तरह से अम्मी का रिएक्शन था एंड रिज़ा रेहान का रिएक्शन था, नानी जी का, बेटी खाला, इन सब का जिस तरह से रिएक्शन था, वो दिखा तो रही थी कि ब्लॉग में कि देखो किसी को भी मन नहीं है कि मैं चली जाऊं, लेकिन मैं वहां पर जाऊंगी। एंड एक चीज़ और नोटिस करने वाली, जब रिज़ा ने कहा कि जब तुम वहां चली जाओगी तो तुम्हें खाना कैसे पहुंचाएंगे हम, ये चीज़ गुटखा किंग के सेल्फ रिस्पेक्ट पे थोड़ा सा हर्ट कर गई। एंड गुटखा किंग ने फटाक से रिप्लाई दिया कि इसका तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम ही उसे खाना खिलाती हो। तो थोड़ी मोड़ी बातें इनके व्लॉग से ही समझ में आ जाती है कि इनके आसपास, इनके घर में, इनके साथ में क्या चल रहा है, जिस रीज़न के वजह से इन लोगों ने सेपरेट फ्लैट ले लिया एंड वहाँ जाने का डिसीजन भी ले लिया। एंड इस डिसीजन से अम्मी बहुत ही ज़्यादा नाखुश है, बिकॉज अम्मी को पता है कि अब उन्हें सूटम सूट, लेसम लेस, गोटा पट्टी कौन दिलाएगा। कुछ भी चाहिए होता है तो फटाक से एक कॉल कर दिया चबूतरा को, चबूतरा ऊपर से नीचे आ गई एंड अम्मी को मार्केट लेके चली गई। लेकिन अब तो वो दूसरे फ्लैट में उतनी दूर जाकर के शिफ्ट हो रही है, देन फिर अब वहाँ से यहाँ आना, हर चीज़ के लिए चबूतरा को फ़ोन करना, तब अम्मी को समझ में आएगा कि उसकी कितनी भारी नुकसान हुई है। जस्ट बिकॉज इसी वजह से अम्मी जी जो हैं वो बिल्कुल ही ज़्यादा नाखुश है चबूतरा के न्यू फ्लैट में जाने से। एंड जहाँ तक देख लिया जाए चबूतरा की, तो चबूतरा का जो व्लॉग होता है वो प्रॉपर फैमिली व्लॉग होता है, मतलब वो अपने पूरे व्लॉग में अपने हर एक फैमिली मेम्बर्स को दिखाती है। एंड जब वो सेपरेट जा कर के रहेगी तो व्लॉग में दिखाने लायक कुछ होगा ही नहीं, या तो वो खुद को दिखाएगी या फिर अपने गुटखा किंग को दिखाएगी, या फिर हमेशा की तरह कंटेंट के लिए कुछ ना कुछ बनाते रहेगी, चाहे वो लड्डू हो, चाहे वो कुछ हो, चाहे वो पूड़ी हो, हलवा हो, बिरयानी हो, फलाना ढिमकाना हो, बस एज अ कंटेंट के लिए।
तो ये सारी नौटंकी उसकी हमेशा के उसके ब्लॉग में चलती है, तो ये भी एक एक्सक्यूज़ है जिस वजह से चबूतरा हो सकता है कि नहीं जाएगी। तो खैर वो तो आगे पता चलेगा कि वो जाएगी कि नहीं जाएगी, लेकिन अभी तक के न्यूज़ के अकॉर्डिंग तो यही सामने आ रहा है कि बहुत जल्द वो लोग शिफ्ट होने वाले हैं अपने नए फ्लैट में। एंड इन सब के अलावा जो बात हो गई कंटेंट के बारे में कि चबूतरा के पास में कंटेंट की कमी है, तो फिलहाल अब नए फ्लैट को लेकर के चबूतरा कंटेंट ही कंटेंट छापेगी, चाहे वो घर की रेनोवेशन का कंटेंट हो या फिर फर्नीचर का कंटेंट हो या फिर सोफ़ा सेट बेड ये सब की कंटेंट हो, टेबल कितना भी कंटेंट रहे चबूतरा के पास में, फ़िलहाल अभी एक मंथ या फिर उससे ज़्यादा, या आप सोच लो कि उससे ज़्यादा तक का कंटेंट अभी चबूतरा को मिल चुका है। एंड बर्थडे ब्रिंगिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, तो बर्थडे ब्रिंगिंग स्टार्ट होने के साथ साथ ये वाला भी कंटेंट एक है, तो फिलहाल कंटेंट की कोई कमी नहीं है चबूतरा के पास। और अब प्रॉपर व्लॉग, प्रॉपर तो नहीं आप कह सकते हो लेकिन हाँ रेगुलर व्लॉग कह सकते हो कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद कंटेंट पे कंटेंट एंड व्लॉग पे व्लॉग चबूतरा का आते जाएगा। अच्छा खासा ये पैसे निकाल लेगी यूट्यूब से एंड देन फिर यही पैसे की इस्तेमाल कर करके ये अपने घर का पूरा रेनोवेशन करवाएगी। तो खैर ये सारी तो बातें हो गई इनके फ्लैट की। एक और चीज़ सुनने को सामने में आई है, देखने को सामने आई है इनकी कोऑर्डिनेशन की, कि भाई साहब क्या कोऑर्डिनेशन है इन लोगों का आपस में। चबूतरा ने अपने व्लॉग में कहा कि मैंने बिरयानी नहीं खाई, जब वो कार में बैठी हुई थी कि मैंने बिरयानी नहीं खाई फ्रेंड्स, मुझे ना चावल मना है फ्रेंड्स, वो अलग बात है कि मैं तेलम तेल वाला पराठा खा लेती हूँ, मुझे तेल वाला पराठा मना नहीं है लेकिन चावल मना है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने बिरयानी नहीं खाई फ्रेंड्स। और इसके भाई ने अपने व्लॉग में बोला जब वो बिरयानी को मिला रहे थे आ करके उधर से सेट से, कि चबूतरा ने सबसे पहले खा लिया और उसके बाद मैंने खा लिया, अब दीपिका और मम्मी जो है वो बाद में खाएगी। तो मतलब को इन लोगों को ये भी नहीं पता कि किसने क्या झूठ बोला है, किसने क्या सच बोला है अपने व्लॉग में, क्योंकि ये लोग आपस में एक दूसरे का ही व्लॉग नहीं देखते हैं। यहाँ तक कि चबूतरा ने अभी जो न्यू फ्लैट ले लिया है इसका कोई भी जिक्र ना तो जनाब ने किया, ना ही मैडम ने किया, किसी ने भी अपने अपने ब्लॉग में नहीं किया है और ना कहीं पे कोई स्टोरी पोस्ट की है, बिकॉज़ इन लोगों को पता ही नहीं है कि इसने फ्लैट लिया है, क्योंकि चबूतरा ने भी कहा था कि घर में किसी को नहीं पता कि उसने नया फ्लैट लिया है। तो व्लॉग देख करके भी लोगों को समझ जाना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने व्लॉग देखा ही नहीं है एक दूसरे का, तो इन्हें पता कहाँ से चलेगा कि चबूतरा ने नया फ्लैट ले लिया, घर वालों को दिखा दिया, एंड ना ही इसने अपने भाई भाभी जान दोनों को लेकर के कहीं गई थी कि हाँ चलिए आप लोग भी मेरा नया फ्लैट देख लीजिए। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें पता ही नहीं है इस बारे में। तो ये है इनके आपस की कोऑर्डिनेशन, बस व्लॉग में दिखाने के लिए कि देखो हमारे बीच में कितना प्यार है, मेरे सेट पे मेरी बहन आती है लेकिन मैंने अपने ही बहन के पति को आना अलाउ नहीं किया है। तो ये प्यार इनका साफ साफ दिख जाता है व्लॉग में ही, कहीं और से देखने की या जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इतना बैर, इतनी तकलीफ है गुटका किंग से कि सब के सब सेट पे पहुंच गए, चाहे वो चेले चपाटे हो या फिर अड्डे के फ्रेंड्स हो या फिर मेड हो, कुछ भी हो, कहीं से हो, यहाँ तक कि स्टेज में पहुँच करके सब ने डांस भी कर लिया, लेकिन गुटका किंग को सेट तक आने की कोई भी अलाउंस नहीं है। जनाब ने टोटली मना करके रखा गया हुआ है गुटका किंग को कि वो किसी भी हालत में किसी भी सूरत पे जनाब के सेट पे नहीं पहुंचेगा। तो इन्हीं सब रीजंस के वजह से गुटका किंग ने ये फैसला किया होगा कि वो अब इस नए पुराने वाले घर से नए घर में शिफ्ट होगा एंड उसकी जितनी भी बदनामी या बेइज्जती हो चुकी है वो अब दोबारा नहीं हो। तो बस इसी सारी बातों के साथ में मैं ये रिएक्शन वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वेल गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रिएक्शन वीडियो और पॉडकास्ट कैसा लगा, एंड मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।